वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो एक लंबी ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वर्ड्स इन माय बैग। सो वैसे तो मेरे पास बैग की बहुत सारी कलेक्शन है, लेकिन ये वाहिद ऐसा बैग है जब से मैंने इसको खरीदा है मैंने और कोई बैग यूज़ नहीं किया। एक तो इसका स्टाइल ऐसा है कि ये ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा, आपको पता है ये सिलिकॉन बेस्ड जो बैग्स हैं वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। उसके साथ इसके साथ एक चेन है, तो आप इसको अपने शोल्डर पर कैरी कर सकते हैं, आप इस तरह से अपने हाथ के साथ इसको उठा के कैरी कर सकते हैं। और इसका जो कलर है वो इस टाइप का है कि आपके ईस्टर्न ड्रेस के साथ भी जाता है, वेस्टर्न के साथ भी जाता है। तो इस बैग को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बैग में से क्या क्या निकलता है। और टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो को फिल्म करने से पहले मैंने इसको बिल्कुल भी खोल के नहीं देखा, ना ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, ना इसमें से कुछ रिमूव किया है। जो कुछ भी है वो हमेशा इसी में पड़ा रहता है जब से मैंने इस बैग को खरीदा है। इसमें जो चीज़ें मैंने रखी हैं वो भी हैं, उनको मैं निकालती नहीं हूँ। जब भी मुझे कहीं जाना होता है, तो आप इस बैग को मेरा गो टू बैग कह सकते हैं, जब भी मुझे कहीं जाना होता है मैं फ़ौरन से इसको पिक करती हूँ और बस अपने साथ ले जाती हूँ। तो जो भी चीज़ें इसमें हैं वो इसी में पड़ी रहती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो कि मैंने अभी ऐड किया है या फिर मैंने कुछ रिमूव किया हो। काफ़ी सारा इसमें आपको एक्स्ट्रा स्टफ भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने इसको लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आपने इसको लाजमी शेयर कर देना है, लाइक करना है और कॉमेंट करना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं, कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैग ओपन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एक टिप है कि जब आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैग्स यूज़ कर रहे होते हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें बहुत क्यूट सा स्टफ़ रखें, ताकि बाहर से देखने वाले को भी अच्छी फील आए या फिर आपका बैग जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगे। क्योंकि मैंने इस चीज़ पर कभी भी फोकस नहीं किया और मैंने इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल भी ना रखते हुए जो भी आप लोगों को देख लें, गंद बला है इसमें सामने नज़र आ रहा है, इसके आप बैक साइड भी देख सकते हैं, यहाँ से देखें, फ्रंट से देखें। तो अभी इस वीडियो को फिल्म करने के बाद मैं इंशाल्लाह इसको सेट करूंगी, इसमें से एक्स्ट्रा स्टफ रिमूव करूंगी। सो फिलहाल जो है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। बैग मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और इसको ओपन करते ही सबसे पहले जो चीज़ सामने मुझे नज़र आ रही है वो है जी ये लिप बाम, और ये है जी रोज डस्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिप बाम बाय प्योर देसी ब्रांड। और इनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स गिफ्ट में रिसीव हुई थी मेरी सिस्टर को उसके बैंक की तरफ से। सो बाकी प्रोडक्ट्स इतनी खास नहीं थी इनकी, जबकि ऑर्गेनिक ब्रांड है, इनमें शुगर स्क्रब था, फेस मास्क था और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन ये लिप बाम इनका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसको मैं अभी जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से यूज़ कर रही हूँ। सो ये बाम हाईली रिकमेंडेड, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। उसके बाद मेरे बैग में आपको मिलेगा एक हैंड सैनिटाइज़र, जो कि आजकल हमने यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दिया है, और ये है जी मेरे पास सेफ गार्ड का सैनिटाइज़र जो कि बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है। उसके बाद जी मेरे बैग में कुछ कार्ड्स पड़े हुए हैं, कार्ड्स में ये एक एम्प्टी कार्ड है मेमोरी कार्ड का, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले मेमोरी कार्ड लिया था, तो ये उसका कार्ड मैंने संभाल के रखा हुआ है इसी में। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक पंफलेट, आप इसको कह सकते हैं, ये मेरे पास पंफलेट है, बर्गर्स और पिज़्ज़ा वगैरह का ऑर्डर करना हो तो वो मैंने रखे होते हैं बैग में ही। देन यहाँ पे मेरे पास कुछ कार्गो स्लिप्स हैं, ये हैं जी कुछ कार्गो स्लिप्स हैं, अक्सर कराची से, लाहौर से कुछ पार्सल वगैरह आते हैं तो उनकी स्लिप्स हैं। देन मेरे पास एक और स्लिप है सेव मार्ट की, ये स्लिप, हाँ या ये सेव मार्ट की स्लिप है ग्रोसरी वगैरह की। अच्छा, उसके बाद जी आपको मेरे बैग में नज़र आएंगे कुछ विजिटिंग कार्ड्स हैं मेरे पास। सो यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल शॉप का कार्ड है, और देन यहाँ पे मेरे पास एक सैलून का कार्ड है। अच्छा जी, देन आपको मेरे बैग में नज़र आएंगे कुछ चेंज, ये 50 रुपीज़ का नोट है। उसके बाद ये एक छोटा सा पाउच है, इसमें मैंने अपने सेफ्टी पिन्स, हेयर पोनीज और कुछ चेंज वगैरह होती हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा रिंग्स होती हैं, ये इयररिंग्स होते हैं वो मैंने इसमें रखे हुए होते हैं। सो ये एक छोटा सा पाउच है, अक्सर मैं पैसे वगैरह भी इसमें रख लेती हूँ। और उसके बाद मेरे पास एक बहुत क्यूट सा क्रीमी ब्लश है, जो कि मेरे अपने ब्रांड के है और बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, बहुत ही पिगमेंटेड है। मैं ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद आपको थोड़ा सा अप्लाई करके भी दिखाऊंगी।
नेक्स्ट मेरे बैग में कुछ लिपस्टिक्स हैं। नंबर वन है ये स्विस मिस की बुलेट लिपस्टिक, रोजवुड शेड है, मुझे पीआर में आई थी, लेकिन बहुत मजे का कलर है। इसको मैं रखती हूँ जब मुझे कुछ भी मेकअप में अप्लाई नहीं करना था, तो मैं सिंपली इस लिपस्टिक को यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरे पास ये एलए कलर्स की मैट लिपस्टिक है, बहुत मज़े का ब्राइट पिंक कलर है ये। और देन मेरे पास एक ये मेबेलिन की लिक्विड लिपस्टिक है, और इसका शेड है जी इजी बेरी। ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका फॉर्मूला मुझे इतना खास पसंद नहीं है, बड़ा ग्लोसी टच देता है, जबकि मुझे मैट लिपस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उसके बाद है ये है जी रोमांटिक ब्यूटी का एक ब्लशन है, इसको भी मैं यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा नॉर्मल रूटीन में, तो एक ये मैंने रखा हुआ है इसमें। और ये हमेशा से, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं ये हमेशा से इसी बैग में मैंने रखी हुई है और इन्हीं में रहती है। जब मुझे यूज़ भी करनी हो तो मैं इसी में से निकाल के यूज़ करके वापस इसी बैग में रख देती हूँ। तो ये एक पाउडर ब्लश है। आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से बैग में मैंने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये देखने में छोटा लगता है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है कि आप ये सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज करके रखें तो आप इसमें अपना मेकअप जो है डेली यूज़ का वो आराम से रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फ्लोर मार की लिप पेंसिल है नूट से शेड में, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये एक मैट लिक्विड लिपस्टिक है, ये भी बहुत मज़े का नूडिश पिंक कलर है, ये मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जी एक रिस्ट वॉच है मेरे बैग में, ये रेड कलर की, जो कि आज के मेरे आउटफिट के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रही थी, तो अगर मैं पहनना चाहती तो इसको पहन भी सकती थी कि मुझे याद नहीं था कि ये इसमें पड़ी हुई है। तो ये एक वॉच है। इन लास्ट वी हैव सम टिंकर रेजर्स, दो टिंकर रेजर मैंने रखी हुई है कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो और आपको ज़रूरत पड़ जाए अपर लिप्स करने की या आईब्रो नीड करने की, तो इसके साथ मैं कर लेती हूँ। जब हम कहीं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर रावलपिंडी टू मरी हमारा कोई टूर होता है और वहाँ पर हमें स्टे करना होता है, तो फिर मैं ये टिंकर रेजर्स भी लाजमी रखती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी हैं तो एक दो मैं लाजमी अपने हैंड बैग में रखती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और 50 रुपीज़ का नोट है, और देन हमारे पास एक फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक शॉप की स्लिप है जो कि काफ़ी पुरानी है, आई थिंक इसके ऊपर डेट लिखी हुई होगी, यस अक्टूबर की स्लिप है, ये रखी हुई है मैंने। और उसके बाद जी कुछ क्वाइंस हैं इसमें जो आप लोगों को नीचे से नज़र आ रहे थे, तो ये कुछ क्वाइंस हैं बैग में, और बैग हो गया है जी पूरा खाली। और देन ये एक और कोई स्लिप है, आई डोंट नो ये किस चीज़ की है, ये भी किसी ग्रोसरी स्टोर की स्लिप है, और बाकी बैग हो गया है जी पूरा खाली। सो गर्ल्स, ये था मेरा वर्ड्स इन माय बैग चैलेंज वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ इतना खास नहीं था मेरे बैग में, नॉर्मली सी सब चीज़ें थी। और अगर मैं बड़ा वाला बैग कैरी कर रही होती हूँ, लाइक बड़े साइज़ का बैग हो या टोट बैग हो, तो उसमें मैं अपना वॉलेट भी ऐड करती हूँ और मॉइस्चराइजिंग लोशन भी ऐड करती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं और हाथ जो हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। 1 घंटे के बाद ही इस तरह फील होता है कि आपने पता नहीं कितने टाइम से अपने हाथों को मॉइस्चराइज नहीं किया। तो अगर आप बड़ा बैग कैरी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कॉस्मेटिक स्टफ के साथ अपना स्किन केयर भी लाजमी कैरी करें, लाइक आपका सन ग्लो हो गया, आपका मॉइस्चराइजर हो गया या आपका लिप बाम हो गया। सो अगर मैं बड़ा बैग यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली मैं सारी प्रोडक्ट्स के साथ उसमें अपना मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड परफ्यूम भी मैं लाजमी उसमें ऐड करती हूँ। परफ्यूम्स मैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं बॉडी मिस्ट यूज़ करती हूँ, तो बॉडी मिस्ट भी मैं लाजमी अपने ऐड करती हूँ जो मेरे बड़े वाले बैग्स होते हैं। सो वीडियो एड करने से पहले मैं आपको ये ग्लो विद माहा का ब्लश थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम आप लोग इसको देख रहे हैं अभी वीडियो में, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये लॉन्च हो जाएगा। फिर आप लोग ब्रांड पेज पे जाके, ग्लो विद माहा के नाम से पेज है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर जाके इसकी प्रमोशनल प्राइस और इसकी ओरिजिनल प्राइस के बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। सो इस तरह से इसकी बड़ी क्यूट सी पैकेजिंग है, मिनी साइज है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। अमाउंट जो है इसमें प्रोडक्ट की इतनी है कि आपका आराम से पूरी सर्दियाँ आप इसको एक ब्लश को यूज़ कर सकते हैं। पिगमेंटेड है, क्रीमी टेक्सचर है, बहुत कम अमाउंट में यूज़ होता है। तो पैकेजिंग जो है वो ट्रैवल फ्रेंडली रखी है ताकि आप इसको अपने वॉलेट में, अपने हैंड बैग में, मिनी बैग में, बड़े बैग में, आप किसी भी चीज़ में इसको कैरी कर सकते हैं। इवन आप इसको अपने जीन्स की या स्वेटर की पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, इतनी इसकी ट्रैवल फ्रेंडली और इजी टू कैरी पैकेजिंग है। सो यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है वो स्वैच करके दिखाती हूँ और देन मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट आपको चाहिए होती है इस ब्लश की।
बहुत मज़े का लाइट पिंक कलर का ये ब्लश है, और आपको भी मैं इसको अपने चीक्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये अप्लाई करने के बाद कैसा लगता है। क्रीमी ब्लश है, क्रीमी टेक्सचर प्रोडक्ट्स को अगर आप अपने फिंगर्स के साथ ब्लेंड करें तो आपको उसका और अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे तो भी आपको इसकी पिगमेंट मिलेगी, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई करेंगे तो भी आपको इसकी ऐसी ही पिगमेंटेशन और रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने जल्दी से ब्लश को अप्लाई कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़े का एक पिंक फ्लश जो है वो मेरे चीक्स पे आ गया है। इसको थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। बिल्कुल लाइट सी अमाउंट में मैंने भी इसको अप्लाई किया है, आप चाहें तो इसको डार्क टोन में भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी ये ब्लश एक शेड में ही लॉन्च हुआ है, इंशाल्लाह आप लोगों के रिस्पॉन्स देखने के बाद इसमें एक शेड और लॉन्च होगा जो थोड़ा सा डार्क होगा, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जिनकी एक्स्ट्रा डार्क टोन कम्प्लेक्शन है, उनके लिए हम थोड़ा सा डार्क पिंक टोन भी लॉन्च करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमने कलर लॉन्च किया है ये है आपका फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन के लिए। अगर आपकी फेयर स्किन है तो भी आपको सूट करेगा, अगर आपकी व्हीटिश टोन है, सैंडी टोन आपका कम्प्लेक्शन है, या मीडियम टोन है, तो उस पर भी आपका ये ब्लश जो है वो इसी तरह से सूट करेगा जैसे कि आप मेरे स्किन पर देख सकते हैं। सो गर्ल्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को आपने लाजम सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ब्रांड पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। आई विल मेंशन ऑल सोशल मीडिया लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।